डॉक्टर ने बोला जो है इलाज कराए, जांच करवाए, आप ठीक हो जाओगे, लेकिन सरकार हमारे पास आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं इतनी जांचें 5-5 हजार रुपए की करवा सकूं। आप लोगों को बताएं कि आप कैसे चलते थे पहले आप कैसे चलते थे जब आप बीमार? पहले हम ऐसे बिल्कुल चल पाता था, एकदम आस्ते से, ऊंचा खाली अगर जगह पर देते। और के दिखाइए और जोर से दौड़े, जोर से ताली बजाएं सब जन। जी आपका नाम क्या है? हमारा नाम दुर्गा प्रसाद है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? चकफेर शाह, जिला रायबरेली। आप रायबरेली से आए हैं जी, और सब जन इनकी गवाही को ध्यान से सुनेंगे। और इनकी गवाही इस प्रकार से है कि अप्रैल 2022 में ये खेत में कुछ काम कर रहे थे और जिसके कारण से अचानक इनके दाहिने पैर की नसों में दिक्कत आई और जिसके कारण से पैर में दर्द होने लगा और इनका कमर जो है वो जाम हो गया, जिसके कारण से उसी समय से ये चल फिर नहीं पा रहे थे जी। आप खुद बताएं कि जब आपको अप्रैल में 2022 में आप खेत में काम कर रहे थे, उस समय आपको क्या दिक्कत हुआ था, उसके कारण से आपके शरीर के किस हिस्से में आपको प्रॉब्लम हुई थी? जी मैं खेत में गया, गेहूँ कट रहे थे तो भूसा ढो रहे थे, तो भूसा ढोने में हमने साइकिल से ढोना शुरू किया, कम से कम सारा दिन ढोया, फिर उसके बाद रात में सो गए, दूसरे दिन उठ नहीं पाए, हमारी जो दाहिने पैर की सब नसें जाम हो गई, चलने फिरने में असमर्थ हो गए। फिर मैंने सोचा अब हम क्या करें क्या न करें, इतनी समस्या में बहुत ही तकलीफ में रातों दिन दुख झेलते रहे सर। और आपने लिखा है कि धीरे धीरे करके आपके दाहिने पैर से वो बीमारी दोनों पैर को जकड़ी और आपका दोनों पैर और कमर प्रॉब्लम में हो गया, बहुत ज़्यादा आपको दर्द होती थी और आप चल फिर भी नहीं पाते थे। जी नहीं चल पाते थे, एक छड़ी के सहारे चल पाते थे, हल्का बिल्कुल नाम मात्र का। और आपको कोई भी आपको कहीं भी जाना होता था तो आप कैसे जाते थे, कैसे सोच के लिए जाते थे, कोई काम आप कैसे करते थे? जी चल नहीं पाते, बिल्कुल ये जो छड़ी थी तो इसके सहारे बिल्कुल ऐसे करके जाते थे, ऐसे करके चलते थे। और आप सुन पा रहे हैं कि इनका कहना है कि ये बिल्कुल धीरे धीरे चलते थे और छड़ी का सहारा लेके चलते थे जी। आप बताएं जब आपने इस बीमारी को लेकर आप डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने क्या बोला आपको? डॉक्टर ने बोला जो है इलाज कराए, जांच करवाए, आप ठीक हो जाओगे, लेकिन सरकार हमारे पास आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं इतनी जाँचें 5-5 हजार रुपए की करवा सकूं, जो थोड़ा बहुत इलाज आप देख लीजिए कर दीजिए। तो उन्होंने देखा और कहने लगा कि आप ऐसा कि तुम्हारे सर में गर्मी ज़्यादा पैदा है, आप दाल ना खाए, सब्जी ना खाए, चावल ना खाए। हमने कहा सर फिर क्या खाए, हम फिर डॉक्टर से ही दवा बहुत थोड़ी लेकर चले आए, फिर दोबारा उस डॉक्टर पास नहीं गए। और जब आपने वहाँ पर दवा लिया फिर आपको कोई भी आराम नहीं मिला, फिर आपने यहाँ दवा कराने के बाद आप चंडीगढ़ चले गए? जी हाँ चंडीगढ़ चले गए। वहाँ पे भी आपने इलाज करवाया जी, वहाँ पे डॉक्टर ने आपके लिए क्या बोला? डॉक्टर ने वहाँ भी बोला कि आप जो है ठीक हो जाओगे, दवा करिए, कम से कम जो है पूरी जाँचें कराइए, कम से कम 20 हजार रुपये तक खर्चा करिए। हमने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं मजबूर हूँ, मैं इतना कमा ही नहीं पा रहा हूँ, मेरी स्थिति ठीक नहीं है। कहें तुम्हारी मर्जी, पैसा तो लगेगा ही। और आप सुन पा रहे कलीसिया कि इनके पास पैसे ना होने के कारण, आर्थिक परिस्थिति कमज़ोर होने के कारण इन्होंने दवाइयां वैसे ही ली, इन्होंने जांच नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे होने लगने के कारण ये पैसे वहां पर नहीं दे पाए क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं था। और ये लगातार इसी प्रॉब्लम का सामना कर रहे थे और इन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ भी लगातार आप खाते भी रहे? जी दवाई हम खाते रहे, एक बार जो है इतना ज़्यादा बीमार हो गए कि दवा खाते हुए बीच सड़क पर गिर गए, तब हमको इतना बहुत दुख हुआ कि हम क्या करें। मेरा एक दोस्त अमेठी जिला का था, टेम्पो चला रहा था,
तो हमको जो है देखा कि गिरे पड़े हैं, उसने हमको अपनी गाड़ी में टेम्पो में लादा, मेरी साइकिल को लादा और लेकर के मुझे कमरे में छोड़ आया। और आपका कहना है कि जब आपको बहुत ज़्यादा आपने दवाइयाँ भी खाई और आपको ज़्यादा दर्द जब होता था, इसी कारण आपने गुस्से में आकर आप शराब भी पीते थे। जी सर, क्या करें, इतना तकलीफ होते तो बहुत क्रोध आता था कि दवाई भी कर रहे हैं फायदा नहीं होता, क्रोध में आकर शराब भी पी लेते थे। जब शराब पी लेते थे भयानक और दर्द भी बढ़ जाता था, बहुत ही दुखी हो जाते थे। और शराब पीने के बाद आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सक जाती थी, और आप जब गिरे थे तो आपके दोस्त ने आपको उठा करके आपके रूम तक पहुंचाया। जी सर। और उसके बाद फिर आपके बेटे का कॉल आया और उन्होंने आपको कोई भी काम करने से मना किया। जी सर। और उसके बाद फिर आपको चंडीगढ़ से फिर आपको लुधियाना ले जाया गया। जी। और फिर आपको लुधियाना में फिर आपके बच्चे ने क्या किया आपके लिए? हमारे बच्चे ने डॉक्टर पास ले गए, दवा कराया, उसके बाद जो ये पैर में जो बैठाने वाला होता है उसके पास ले गए। 5 दिन लगातार उसने कही ये टांग को बैठाता रहा, इस टांग को बैठाता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला सर। रो रो के गुजारा करते थे। फिर घरेलू नुस्खा का हमने इस्तेमाल किया, उसके लिए हम एक ईंटा का आधा जो है तोड़ करके उसको उसमें गैस में गर्म करते थे, गर्म हो जाता था तो उसको फिर 4-5 पर तौलिया में लपेट करके उसकी सेकाई कमर से लेकर पैर तक करते थे, और उसके बाद गर्म पानी करते थे उसको अपना। आपने ऐसा करके कई सारे आपने घरेलू नुस्खे भी अपनाए। जी सर। उससे भी आपने कोई भी रिलीफ नहीं मिला? कोई भी आराम सर नहीं मिला। आप छड़ी के सहारे चलते थे और जब आप चलते थे आपको हमेशा दर्द रहता था? हमेशा दर्द बना रहता था। आपको दिन भर में आपके 24 घंटे में कभी आपको दर्द खत्म होता था या फिर हमेशा रहता था? हमेशा सर रहता था। जब ये सब घरेलू नुस्खे कर लेते तो बहुत ज़्यादा आधा घंटे के लिए सो लेते थे, फिर दर्द होता था, फिर ऐसे जागते रहते थे सारी रात। और आपका कहना है कि आप छड़ी से भी चलते थे तो बहुत धीरे धीरे सहारा रह के चलते थे, क्योंकि आपको बहुत अधिक दर्द होता था, और ये समस्या आपको लगभग 8 महीनों तक आपने लगातार दर्द सहे हैं, लगातार आप रोए हैं। जी सर। आप एक बात बताएं, आप अपने दिल की गहराई से बताएं कि 8 महीने आपने दर्द में किस तरह व्यतीत किए हैं, आप अपने जीवन के बारे में खुल के बताएं। जी सर, दर्द में बहुत ही रो रो के गुजारा किया है कि मेरे आंसू निकल आते थे कि भगवान अब हम क्या करें, ये अब हमारे बच्चे जो हैं इनको पढ़ाना लिखाना, शादी करना, बेटी को साइंस साइड इंटर पढ़ रही है, पैसे नहीं होंगे तो कैसे बेटी की पढ़ाई होगी, इतनी मजबूरी थी, मेरा घर जो थोड़ा बना है उसकी बाउंड्री कैसे होगी, ये सब सोच में। आपको बहुत ज़्यादा आप दर्द में थे, आप कुछ काम नहीं कर पाते थे, इस कारण आपको आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए आपको बहुत चिंता थी। बहुत चिंता थी सर। और हमेशा आप इसी चीज को लेकर आप सोच में भी रहते थे? सोच में बहुत रहते थे सर। अच्छा एक बात बताएं, जब आप इस तरह थे फिर आपको जब सुसमाचार मिला, किसी ने चर्च के बारे में बताया, यीशु मसीह के बारे में बताया, उस समय आपको कैसा लगा सुन करके, आप क्यों आए चर्च में? जी सर, हमारे गांव के एक बहन ने हमको बताया कि भैया ऐसा है कि आप वहां चर्च में चलिए, आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो हमारे अंदर एक दिल की लालसा आई कि हो सकता है कि हम चले सही हो जाए वहाँ। फिर हमारे दिल के अंदर जब लालसा आई तो मैं उनके साथ 20 नवंबर को यहाँ चर्च में आया सर। फिर आपने 20 नवंबर 2022 को पहली बार चर्च में मौजूद हुए? जी सर। और जब आप पहली बार चर्च में आए, आपने लिखा है कि आपको उस समय एक प्रेयर के लिए पर्ची दी गई थी। जी सर। जिसमें प्रार्थना लिखा हुआ था। जी। फिर आपने उसे घर जाकर प्रार्थना करना शुरू किया। जी सर। उस समय आपने 24 नवंबर को अपने घर पर आप टहल रहे थे तो आपने उस समय कुछ प्रार्थना की। जी सर। क्या आपने बोला प्रभु से? जी, प्रभु से हमने बोला कि हे प्रभु, हमको जो है आशीष दो, आज हम कम से कम थोड़ा बहुत चलने लगे, हमारी कमर की जकड़न सही हो जाए तो मैं कल फिर दरबार आऊंगा। तो और आपने जब 25 नवंबर को आए थे उस समय आपके लिए
यहाँ पर हाथ रख के प्रार्थना नहीं हुई हुई थी? नहीं, 25 नवंबर को हुई थी, 20 नवंबर गया थे उस दिन, मैंने सुना नहीं तो उस दिन नहीं हुई थी, 25 नवंबर को हुई थी। और जब आप 20 नवंबर को जो आपने प्रेयर पर्ची पाया, आप जाकर उसको घर पे प्रेयर करते थे आप? जी जी। और 24 नवंबर को आप चर्च आने से पहले, 25 नवंबर को चर्च आने से पहले 24 नवंबर को आप घर पर आपने प्रार्थना की? जी सर, प्रार्थना की। और जब आप 25 नवंबर को जब आप चर्च में आए, उस दिन आपके लिए परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रार्थना की? जी सर। अपने ऊपर, जब आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, उस समय आपके जीवन में क्या हुआ? जी बहुत ही बदलाव आ गया उसी दिन से, जो है ऐसा मालूम है शरीर का जो भार लदा हुआ है वो धीरा धीरा करके गायब हो रहा है। ताली बजाए जोर से, और जोर से ताली बजाए सब जन। और जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर हाथ रख के प्रेयर किया, और उसके दो दिन बाद आपने लिखा है कि आप रेलवे स्टेशन पे जब आप उतरे, तो पहली बार 8 महीने के बाद पहली बार आप रेलवे स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर आप चर्च पैदल चढ़कर आप चर्च तक आए। जी सर। ताली बजा जोर से, और जोर से ताली बजाए, आपकी तारीफ बड़ी हो। और जब 25 नवंबर को आपने प्रेयर लिया, उसके बाद फिर दो दिन बाद आप फिर से चर्च में आए। जी सर। और आप जैसे स्टेशन पर उतरे, आपने छड़ी के सहारे ही आपने लगभग 4 किलोमीटर पैदल चलकर आप चर्च तक आए। जी सर। आपने 8 महीने में पहली बार इस तरह आप चले थे। जी सर। ताली बजाए जोर से। तो आइए कलीसिया, एक बार हम 25 नवंबर की उस ले हैंड वीडियो को अपने स्क्रीन पर देखते हैं। आपके लिए प्रेयर हुई, उसके बाद फिर कैसे कैसे आप पैदल चलना शुरू किए, फिर आपने क्या क्या करना शुरू किया ले हैंड प्रेयर के बाद? फिर धीरे धीरे जो है हम पैदल चलना शुरू किया, अपने रेलवे स्टेशन है गांव के पास, उसके प्लेटफार्म के 2-3 चक्कर धीरे धीरे लगाने लगे सर। और उसके बाद फिर आपने लिखा कि आप साइकिल भी चलाने लगे। जी, फिर साइकिल में हम चला नहीं पाते थे, ऐसे साइकिल पकड़ते थे तो ऐसा मालूम होता कि साइकिल में हम गिर जाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद हम एक दिन साइकिल में प्रभु यीशु किया, मतलब स्मरण किया, उसके बाद साइकिल लिया और मैं साइकिल पर चढ़ गया और साइकिल चलाने लगा। ताली बजाएं जोर से। और 8 दिसंबर से आप बिना छड़ी के सहारे से स्टेशन से चर्च तक आप पैदल आए हैं। जी सच बात है। ताली बजाएं जोर से। प्रेयर के तुरंत बाद ही आपको धीरे धीरे करके प्रभु ने चंगा किया और आज ये स्थिति है, आप बिना छड़ी के चलते हैं। जी सर। और जो आप छड़ी के सहारे भी चलते थे तो आप धीरे धीरे चलते थे, अब आप अच्छे से चल फिर पाते हैं। बिल्कुल अच्छे से चलते हैं सर। अब आपको कितने महीने हो गए आप बिल्कुल ठीक हैं? अब जब से यहाँ आए चर्च में तब से बिल्कुल सही हूँ। 4 से 5 महीने हो गए आपने लिखा है आप बिल्कुल आजाद हैं। जी बिल्कुल आजाद हैं। आप चल पाते हैं या फिर दौड़ भी पाते हैं? नहीं, दौड़ भी पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। जोर से ताली बजाएं। आप अपनी छड़ी ले, आप अपनी छड़ी ले और आप लोगों को बताएं कि आप कैसे चलते थे पहले आप कैसे चलते थे जब आप बीमार? पहले हम ऐसे बिल्कुल चल पाता था, एकदम आस्ते से, ऊंचा खाली अगर जगह पड़ती थी बहुत सारे ऐसे चल पाते थे,
बिल्कुल ऐसे 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 और आपको जब ऐसे चलते भी थे तो आपको उस समय दर्द भी होता था? बहुत दर्द होता था, कभी कभी थोड़ा सा चल के ऐसे बैठ जाते थे, अब क्या करें, अब नहीं चला जाता है ऐसे। और अभी आप कैसे चल पाते हैं? अब तो सही चले। आप छड़ी उठा करके चल के दौड़ करके बताएं, आप अपनी छड़ी उठाएं, दौड़ के दिखाइए और जोर से दौड़े, जोर से ताली बजाएं सब जन। और आपकी तारीफ बड़ी हो यीशु के लिए, जोर से। जोर से ताली बजाएं सब जन पूरे आनंद के साथ। अब आप बिना छड़ी के चलते हैं? जी सर। आपको कोई भी दर्द नहीं होता? कोई दर्द नहीं होता। आप कोई भी दवा नहीं खाते? कोई दवा नहीं खाते। बिल्कुल ठीक है आप? बिल्कुल ठीक। किसने आपको चंगा किया? प्रभु यीशु ने। आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनको प्रॉब्लम है, उनसे क्या कहेंगे? हम प्रभु सब लोगों से कहने चाहते हैं कि देखिए सब, आप विश्वास के ऊपर, आप विश्वास करोगे और प्रार्थना आप सही ढंग से करोगे, जो प्रभु के दास आपको वचन बताते हैं उस वचन के अनुसार अच्छाई के रास्ते पर चलोगे तो सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब आपके बेटे लोग, आपके बेटे, आपके घर वाले क्या बोलते हैं? बहुत खुश रहते हैं, कहते हैं कि प्रभु यीशु ने आपको चंगा कर दिया, प्रभु ने आपको नया जीवन दिया है। जी सर। जोर से ताली बजाएं सब जन हाथों को उठा के, हालेलुया 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 हालेलुया।